मैन इज मॉर्टल। डेविड बार्नेट की कोट तो आपने अपने बचपन से ही सुनी होगी। कहते हैं आप हमेशा जिंदा नहीं रह सकते, जो इस दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आता और उसका सब मिट्टी हो जाता है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऐसा भी है जिसकी डेथ को 69 इयर्स हो चुके हैं पर उसके सेल्स आज भी जिंदा हैं, ये कहानी है हेनरिटा लैक्स की और उसके सेल्स की। हेनरिटा लैक्स का जन्म हुआ था 1920 में वर्जीनिया यूएस में, और वो एक टबैको फार्मर थी। वो अपनी फैमिली के साथ वर्जीनिया में रहती थी। उनके 5 बच्चे थे। अपनी 5th प्रेगनेंसी के बाद उनको ये फील हुआ कि उनके वूम में एक नॉट लाइक कुछ है, इसीलिए वो अपना चेकअप करवाने के लिए जनवरी 1951 में जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल गई। वहाँ उनकी बायोप्सी हुई और पता चला कि उनको सर्विकल कैंसर है। फिर उनकी बॉडी से 2 सैंपल्स लिए गए, नॉर्मल सेल्स यानी हेल्दी सेल्स और कैंसरस सेल्स। और ये कैंसरस सेल्स थे ये डॉक्टर जॉर्ज के को दिए गए ताकि वो उस पर रिसर्च कर सकें। अनफॉर्चुनेटली अक्टूबर 1951 में सर्विकल कैंसर के कारण हेनरिटा लैक्स की डेथ हो चुकी थी, क्योंकि कैंसर उनकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो चुका था और इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस बोलते हैं। उस टाइम पे साइंटिस्ट सेल्स को लैब में ग्रो करने की कोशिश में लगे हुए थे कि किस तरह वो सेल्स को लैब में कल्चर कर सकते हैं। कि बॉडी का हर सेल एक सेल साइकिल को फॉलो करता है और उसके अकॉर्डिंग ही चलता है, और एक सेल 50 डिवीजन करने के बाद अपनी पावर ऑफ डिवीजन लूज कर देता है। 50 डिवीजन्स के बाद सेल्स की एजिंग हो जाती है और उनकी सेल डेथ हो जाती है, जिसको एपोप्टोसिस भी बोलते हैं। और यही मेन प्रॉब्लम थी सेल कल्चर करने में, कि ह्यूमन सेल आउटसाइड बॉडी लैब में सर्वाइव नहीं करते थे, और इस वजह से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स सेम सेल पर करना पॉसिबल नहीं था। पर हेनरिटा लैक्स के कैंसर सेल्स में कुछ स्पेशल था। ये सेल्स कैंसरस थे और इनका जीनोम एरर फिल्ड था, यानी नॉर्मल ह्यूमन सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट हेनरिटा लैक्स के कैंसर सेल्स में 76-80 क्रोमोसोम्स थे। दूसरी बात, ये सेल्स कॉन्टीन्यूसली बिना रुके डिवाइड कर रहे थे। और एक और बात, इन सेल्स का कलर पर्पल और शाइनी था। साइंटिस्ट को यही चाहिए था। अब उन्होंने क्या किया, ये सेल्स लिए और इनको ग्रो करना शुरू कर दिया, और ये फर्स्ट ह्यूमन सेल्स बन गए जिनको लैब में इनडेफिनेटली कल्चर किया गया, और ये इमोर्टल सेल्स हुए। फिर इन सेल्स को दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग लैब्स में भेजा गया ताकि इन पर बहुत सारी रिसर्च हो सके, और इस तरह से ये वो पहले सेल बने जिन्हें चिट्ठी की तरह एक जगह से दूसरी जगह मेल किया गया। और फिर इन सेल्स की मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। 2010 में रिबेका स्क्लूट ने एक बुक लिखी हेनरिटा लैक्स की लाइफ के ऊपर, The Immortal Life of हेनरिटा लैक्स। इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जितने भी हेला सेल्स अब तक प्रोड्यूस किए गए हैं उनका वजन 50 मिलियन मेट्रिक टन से भी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर आप इनको इकट्ठा करेंगे तो इनका जो वेट होगा वो 100 बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा होगा। अब हेला सेल्स पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है और अभी भी बहुत सारी रिसर्च इन पर हो रही है। इन पर 10-11,000 से भी ज़्यादा पेटेंट्स हैं और 60,000 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स अब तक छप चुके हैं। रिसर्च टाइमलाइन, ये सब स्टार्ट हुआ 1951 में, और 1952 में हेला सेल लाइन इस्टेब्लिश की गई। फिर 1954 में डॉक्टर साल्क ने हेला सेल्स पर एक्सपेरिमेंट्स करके पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीन तैयार कर लिया, और इनकी ही वजह से हम आज पोलियो जैसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज पर काबू पा सके हैं। फिर 1956 में
हीला सेल्स ने कैंसर पर रिसर्च में बहुत हेल्प की और 1964 में हीला सेल्स को स्पेस में भी भेजा गया रिसर्च के लिए। 1973 में हीला सेल्स को यूज किया गया ये पता लगाने के लिए कि जो साल्मोनेला बैक्टीरियम है वो इन्फेक्शन कैसे करता है। फिर 1985 में सर्विकल कैंसर के लिए हीला सेल्स को बहुत इस्तेमाल किया गया इस पर रिसर्च करने के लिए। 1988 में HIV जिसके कारण एड्स जैसी खतरनाक बीमारी होती है इस पर भी बहुत सारी रिसर्च हुई हीला सेल्स को ही यूज करके। और हमने ये पता लगाया कि सेल्स में एजिंग कैसे होती है। इबोला वायरस पर बहुत सारी रिसर्च हुई और 2008 में डॉक्टर हेराल्ड को नोबेल प्राइज मिला हीला सेल्स यूज करके वायरसेस के ऊपर रिसर्च करने के। और इसके बाद 2009 में एक और नोबेल प्राइज मिला टीलोमियर्स पर रिसर्च करने के लिए डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न। 2013 में हमने हीला सेल्स का पूरा जीनोम सीक्वेंस कर लिया था और 2014 में एक और नोबेल प्राइज सेलुलर इमेजिंग के लिए। हेनरिटा लैक्स इस दुनिया से जल्द ही चली गई पर जाते जाते वो इस दुनिया को ऐसा गिफ्ट दे गई जो साइंस के लिए एक वरदान है। हीला सेल्स डिवाइड करते रहेंगे और न जाने कितने ही रिसर्चेस में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा।